गाइस अभी हो गई हमारे दिन की शुरुआत प्यारे प्यारे बच्चों से। हाय रजा, हाय अर्बिश, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी 3 दिनों की इन लोगों की छुट्टी थी तो हम मॉर्निंग में ही ट्यूशन बुला ले रहे थे और बच्चे नहीं भी आए हैं, जो बच्चे नानी दादी यहाँ घूम रहे हैं। पेपर भी हो गया सबका, कुछ बच्चों का हो रहा है, अर्बिश का हो रहा है ना पेपर, और सबका हो गया है ना, सबका हो गया। ये क्रिम्पिंग मशीन हमने अभी पापा से ठीक करवाई, ये हबीबा ने जला दी थी गाइस मतलब अभी मैं क्रिम्प कर रही थी तो वो सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से जल गया था, और इसका वायर भी काफ़ी छोटा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो अभी इसको बड़ा करवा लिया हमने, अब ठीक रहेगा। मतलब अगर दूर से भी करना है ना हो जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा पास करना पड़ता था स्टूल, हो गया अभी। हमें छोटे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, मतलब फ्लावर्स जो साइज़ में छोटे हों, तो अभी नीचे घर में मेरे एक सेक्शन है जो कि कच्चा है, तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स अपने से निकल जाते हैं, तो ये निकला हुआ, एक बार पपीते का निकला था, इतना बड़ा हो गया था फिर वो ख़राब हो गया था, अभी ये निकला है। ये भी कोई ऐसे ही फ्लावर है पर क्यूट लग रहा है। सुबह रूम क्लीन कर लिए थे लेकिन स्टूडेंट्स के पढ़ने के बाद गंदा हो जाता है जिस वजह से दोबारा करना ज़रूरी रहता है। अभी हमने सेटअप्स रेडी कर लिए हैं, ये बन गया जिस वजह से वो सारे ड्रॉर्स रखने में अच्छा नहीं लगता, तो जब काम रहता है तो इसको रख लेते हैं फिर हटा देते हैं। फिलहाल काफ़ी टफ हो रहा है ये, वैसे सब सेट रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता था लेकिन ठीक है, रूम भी तो अच्छा दिखना ज़रूरी है। अभी रेडी हो गया है, 2-4 काम हैं उन्हें करेंगे। फिलहाल अभी हम हेयर कोम करने जा रहे हैं और ये कोम हम यूज़ कर रहे हैं आई थिंक 6 मंथ से, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, हेयर फॉल भी रुक गया और काफ़ी अच्छे से मसाज हो जाता है इससे। गाइस ये अलीना की न्यू ड्रेस है, एक दिन हम और दीपाली गए हुए थे तो बस ये पसंद आ गया था, हम लोग ले लिए थे, है ना अलीना एकदम पंजाबन लग रही है। अरे अरे अच्छा है अलीना, सही लग रहा है। अलीना हमारे ही तरह बहुत जल्दी लंबी हो रही हैं, बकरीद का कपड़ा छोटा हो गया इनका, सारा कपड़ा छोटा होता जा रहा है क्या, ये बड़ी हो रही कपड़ा नहीं छोटा, अलीना बड़ी होती जा रही है कपड़ा छोटा होता जा रहा है है ना। हाँ ऐसे ही कर रही मत को। हाय किलकारी, अरे बात कर लो, क्या हुआ गुस्सा हो क्या, अभी एकदम बिजी है क्या हुआ, पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़ रही है, कलरिंग करने की पढ़ाई, हॉर्स बनाए, ये किलकारी ने बनाया, वाह आपने बनाया है, आपने बनाया है क्या किलकारी, ये कौन है, क्या कौन है, सब आज कलर हो जाए, नहीं नहीं अच्छे से और कौन लेके फिर से जी। कैसे, ए फॉर चुड़ैल क्या बताई थी अभी, इनको सी फॉर चुड़ैल पता है गाइस,
ओ बनाई है, एम बनाई है। क्या किलकारी, किसकी बेटी हो? पापा बेटी। पापा बेटी, मम्मा बेटी नहीं? क्या मम्मा की बेटी नहीं हो? आई लव यू बोल दो किलकारी। आता है, बोल लेती हो? अच्छा नहीं, समझ रही होगी पकाई है। आगे आ जाओ, क्या बता रही हो पापा को? देख लो किसकी कॉल है, देखो किसकी कॉल है। क्या आया है बेटा? अभी क्या बोल रही थी? हाँ, ये पापा पे है। अच्छा पापा पे है, ठीक है। सब कुछ पापा। कौन लाया है? पापा की परी। कैसे बनाई थी चाय? बना लेती हो आप? कैसे बनाई थी चाय आप बता दो। चिकन में, किचन में चिकन। अच्छा चिकन में चाय बना लूंगी यार। फिर क्या करती हो? फिर कैसे बनता बता दो, बताओ। चीनी डाली थी। और फिर वही बैठ के बताओ, वही बैठ के बताइए। फिर अलीना दीदी को सिखा दो। मेकअप। क्या? मेकअप। मेकअप कप कप। अच्छा कप में डाली थी। अच्छा फिर अंदर आ गई बारिश हो रही। ऊपर जैसा बहुत ज्यादा बादल गोल है। बादल से। फिर नहीं, हम सुन लिए, आवाज सुन लिए, बादल गरज रहा है। अलीना दीदी भीग रही है, उसको क्या चुड़ैल। सोचो अच्छा। सोचो कि इसको कहते थे सी फॉर चुड़ैल। तो आज अंशु दी आई हुई है, जो हमारी फ्रेंड जानवी की सिस्टर हैं। तो उन्हें कैरेटिन कराना था और फेशियल वगैरह भी था, तो वो आई हुई है। अभी हम उनका कैरेटिन कर रहे हैं। काफ़ी टाइम तक शिवांगी दी का वेट कर रहे थे फेशियल के लिए, लेकिन वो भी कहीं गई हुई थी, बिजी थी, तो फिर फेशियल भी हमको ही करना पड़ा और अभी हम कैरेटिन कर रहे हैं। तो काफ़ी ईजी होता है उन लोगों के साथ काम करना जिनको आप पहले से जानते हो, तो थोड़ा अननोन लोग रहते हैं तो फिर वो काम लगता है, और जब जानते पहचानते रहो फिर वो काम काम नहीं लगता, मज़े भी हो जाते हैं, सारा काम भी हो जाता है। तो अभी मतलब केराटिन वगैरह और हेयर स्मूथनिंग लंबा प्रोसेस होता है, तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है उन लोगों के साथ, इतने टाइम तक मुंह बंद करके करना पड़ता है। लेकिन अभी हम लोग बातें करते हुए कर रहे थे, काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। और ये है केराटिन का फाइनल रिज़ल्ट। अंशु दीदी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस अभी मगरिब का वक्त हो गया था, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। दीपाली अभी जा चुकी हैं, ये कुछ धुले हुए कपड़े हैं जिन्हें हम फोल्ड करेंगे, और फिर जिन जिन कपड़ों में मूड होगा प्रेस करेंगे, स्पेशली मम्मी पापा के कपड़ों में। सेक्शन पिंस हेयर स्प्रे की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जिन्हें हमने जल्दबाजी में धुला है, सही से साफ़ नहीं हुए, लेकिन बस पहले से बेहतर हो गई हैं। फिर अभी हमें लगा बुकिंग्स हैं तो गंदी होगी, फाइनल फिर साफ़ करेंगे किसी और वक्त। कोम भी गंदा हो गया था, उससे भी हमने धुल लिया। चलते हैं, पहले कुछ कपड़े फोल्ड करते हैं, जो प्रेस के हैं उन्हें साइड करते हैं। थकान फील हो रही, पूरा दिन आज चला गया। बिल्कुल जब हेयर से रिलेटेड कुछ रहता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। पापा के कपड़े हैं, बहुत सोचने समझने के बाद हमने प्रेस कर लिया था, कल रात में ही हमने कर लिया था। हमें लगा जब करना ही है, कल से आज तक रखा रहेगा। उसके बाद हमने ईशा की नमाज पढ़ा था, खाना खाया, अभी हो गए नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस। ये मेरे क्यूट क्यूट एंजल और केवी हैं। एंजल गुड मॉर्निंग बोलिए।
शायद कीवी मेरा बोले। कीवी गुड मॉर्निंग बोलना। दोनों अभी नहाए हैं, कीवी का तो पता नहीं पर एंजल तो बचपन से ही नहाने के बाद एकदम कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं। इंजू बेटू बहुत देखिए देखिए कितने गुस्से में है। क्या हुआ एंजल, गुस्सा हो क्या? गाइस हमें उठने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है आज, एकदम ना बहुत ज़्यादा कल थकान हो गई थी जिस वजह से, और फिर सोने में भी कहीं ना कहीं लेट हो गई थी जिस वजह से हम अभी उठे हैं। नाश्ता कर लो एंजल, एंजल नाश्ता कर लो। कीवी गया खाने, एंजल जल्दी, एंजल आप भी जाओ, खा लेगा कीवी। खा नहीं रहे हैं ये लोग। गाइस स्पेशल टाइप का पैक बनाया है दीपाली मैम ने, क्या क्या मिलाई उसमें? दही हल्दी और कॉफी, कॉफी पाउडर है, बेसन है। ठीक, आज हम लोग गोरे हो जाएंगे गाइस। कैसे लग रहा है ना गाइस, हम लोग लगाए थे पैक, हाथ पीला हो गया, गोरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्मूथ सी फीलिंग आ रही है। आप भी दिखाइए मैम, मैम के कपड़ों पे लग गया, अरे हाथ पीले हो गए। कैसे कैसे लगा? नारियल का छील रहे थे, अरे नारियल वो जो था ना उसको निकाल रहे थे, कट गया हाथ, बहुत चोट लगती है मुझे। बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जोहर की नमाज पढ़ ली है गाइस, यही ड्रेस हमने लिया था, हम आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, अभी रखा था तो याद आ गया, राजरतन से यही ड्रेस लिया था, मिला तो था बर्थडे के लिए, लेकिन हमसे एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, हम दो बार इसे पहन चुके हैं, तो यहाँ का एक निकल गया था, कहाँ का, यहाँ का निकल गया था, तो अम्मी अभी इसे फिर से अच्छे से लगा रही है। इस कलर का ही बॉटम है और दुपट्टा है, इसका नेक और स्लीव हमें बहुत अच्छा लगा था। देखिए नेक थोड़ा सा डीप था, तो नॉर्मल था लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा था, हम हमेशा कॉलर पहनते हैं इसलिए ये लेस लेके हमने स्लीव में और नेक में लगवा लिया है हमने से। ये नहीं अम्मी, ये खाना बनाते हुए जल जाती है। आज दीपाली ने अपने हेयर में मास्क लगाया था जिस वजह से माशाल्लाह बहुत शाइनी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा कर लिया करो ना, नहीं बहुत महंगा, 1100 का है बताओ। तो क्या हुआ, केश तो अच्छे दिखेंगे आपके, 1 month 3 month। ये अभी जो उंगलियां निकल जा रही है ना वैसे फंस जाती थी। अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह, हम बोले नहीं लेकिन अभी वीडियो बनाया तो और अच्छा लगा। अरे यार गलती से चला गया, नहीं ये फेस नहीं अपलोड करती ना, थोड़ा सा मैं फेस ले लेती हूँ। गाइस ये है हमारी आज की एंगेजमेंट ब्राइड, इन्हें भी नेचुरल मेकअप चाहिए, कोई बात नहीं, बस लोग भी नहीं गिरी थी ना नूर, थोड़ा सीछे से चाहिए। बाल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, अब तक तो हो ही जाए।
हेयर कट होने की वजह से हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फाइनली जो इस हेयर स्टाइल हमने सोची थी वो बन गई है। गाइज इतना प्यारा रिंग प्लेटर बनाया है ब्राइड की सिस्टर ने। हेलो गाइज, टुडे इज माय सिस्टर्स रिंग सेरेमनी, तो ये मैंने इसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज बनाया है। जितना सामने से नेचर वो रियल में बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, फोन में उस हिसाब से कैप्चर नहीं हो पाता है। आपने इतने प्यार से बनाया है, कभी हम लोग की शादी में बनाइएगा। हाँ, ये है उनकी सिस्टर, क्यूट सी ब्राइड। ये दी है, सिस्टर के साथ में आ जाइए। अब आप अपना रिव्यू देंगी, आप तो इतना बोलती हो। नहीं, वो लास्ट में बोलती, अच्छा बोलती। तो गाइज अभी मेकअप हेयर स्टाइल सब हो गया और हमें पर्सनली ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर्पल लाइनर के साथ ऐसा लैवेंडर आई मेकअप और ये वो हेयर स्टाइल जिसे हम काफ़ी टाइम से करने की सोचते थे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता था जिस वजह से हम ये सोचते थे जब वक्त रहेगा तब बनाएंगे, और आज वैसा ही था, वक्त था तो हमने ट्राई किया और बन भी गया। टाइम हो गया हम लोग को चाय का, मतलब दो तीन बार तो हम लोग ने पी लिया है। फिर से आंटी जी का मन करा कि फिर से चलो चाय पीते हैं, तो हम आंटी जी फिर से लग गए हैं। अभी इनको अभी ये पढ़नी है नमाज, तब नमाज पढ़ने के बाद, वैसे भी इसे ठंडी चाय पसंद है, ये हम लोग की कैटेगरी की नहीं है, इसे साइड करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और नमकीन खाने जा रहे हैं। गाइस जैसा कि अभी इन्होंने बोला है, आंटी जी ये चाय ठंडी हो गई, इसे पैक कर दीजिए। अच्छा, कि हम ठंडी चाय पीते हैं, हम ठंडी नहीं पीते हैं। दीपाली का बस चले थे सॉस पैन से, कप में नहीं अपने मुंह में चाय छान ले। अच्छी लगती है ना आंटी जी, देखिए अभी एकदम ठंडी हो गई ना, आप गर्म करके ले, हम गर्म पिएंगे। बॉयल होती हुई तो क्या, ठीक है अम्मी गर्म कीजिए, हम डायरेक्ट इनके मुंह में छानेंगे। सही, आज आज गाइस आप देखिएगा। अबे यार ऐसे नहीं कर, हम एकदम गरम नहीं पी पाते ना, मेरी जबान थोड़ा नर्म है, इनकी सख्त है, इनकी जबान नर्म है, इनकी एकदम सख्त है। चीटी है, उसको भी खाने दो बहन, खाओ ये दो टुकड़ा खा के भाग जाओ। अबे उधर खाओ बहन, और ये तीन है, तीसरी वाली भी है, चौथी भी है, रुक जाइए। काफी है गाइस, काफी, ये ऐसा ही चाय ले आएंगे, ये मैं नहीं लाई हूँ, आंटी जी निकाली है। आंटी जी देखिए आपको कुछ बोल रही है। तो मेरी मम्मी नहीं देख पाई तो क्या आप इतनी देर अंधी थी चाय पी रही थी। मैं बर्तन धुल रही एकदम, मेरी राक्षस वाली ऐसी। पहले अंकल हमेशा मजाक में कहते थे कि बर्तन धुल ली दीपाली लेने आए, अब हकीकत में भी धुल देती है। ये कहती है ना कि लो धुल दे, हम मना भी नहीं करते है कि नहीं, ये काम ही किनारे होता है, सही है, धुल देती है बेचारी। अब खाने दो, कि हमेशा फोन ताने देते, सब सोचे मैं इतना जाती हूं। चुप रहो, इतने दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, नजर लगा दियो तुम लोग। और तो जब मैं खाती रहूं तभी। हां ले आई आंटी जी, देखो कितनी अच्छी हैं, देखो हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते, तुझे क्या। दीपाली सच में किसी ठंडी चाय वाली। अल्लाह तौबा, ठीक है, जैसे कोई जुर्म उठा। टेस्ट आ रहा चाय का पता है, वैसे मुझे लगता है कोल्डिंग है, हटाओ हटाओ इसे, एक जादू दिखाएंगे। नहीं मुझे नहीं देखना है, देखो देखें कैसी है तुम्हारी चाय, कप अच्छा है ना, दीपाली का कप चेंज हो गया, नेल पेंट दिखा दो अपनी। नहीं बोल जाती हूँ ना, जाने दीजिए। तो गाइज अभी हो गया है नेक्स्ट डे और आज 11वीं शरीफ है, तो हम ये ब्लॉग आज पोस्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ़ से आप सबको 11वीं शरीफ मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।